एक सवाल, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें, थोड़ा छत्तीसगढ़ में खड़े हैं हम और आप सांसद भी यहीं से हैं, आप भी घोटालों का जिक्र करते हुए सत्ता में यहां आए थे, रमन सिंह के तमाम घोटालों को कांग्रेस पार्टी ने गिनाया था और अब इन्हीं घोटालों का जिक्र, चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, इन्हीं घोटालों का लगातार जिक्र होता है और कैसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो भी किसी से कम नहीं है। भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, ये बोला अमित शाह साहब ने। अभी देखिए कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ के घोटाले हैं, 5,000 करोड़ का गरीब अन्न कल्याण योजना घोटाला बता रहे हैं, 2100 करोड़ का शराब घोटाला, 540 करोड़ का कोल घोटाला, और तो और कह रहे हैं कि गोबर में भी बेईमानी कर दी कांग्रेस पार्टी ने बघेल साहब ने, और 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, चारा खा रहे हैं, ऐसा भी अमित शाह साहब जब आए तो बोला। तो घोटालों की फेरिश्त तो यहाँ भी लंबी है आपके विरोध। अगर आप एक एक करके पूछते ना तो एक एक करके मैं सबका डिटेल बताती। जैसे शराब घोटाला है, शराब घोटाला लाइक 2G स्कैम जो यूपीए 2 का इन्होंने इन्वेंट किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है। दूसरी बात, वो कहते फिरते हैं कि शराब बोला था बंद नहीं की, तो कोरोना में ये जो प्रदेश है 7 प्रदेशों से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा कोई अवैध शराब अगर छत्तीसगढ़ में आ रही थी वो आ रही थी मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से। चौथी बात, 7 प्रदेशों से घिरे हुए प्रदेश में शराबबंदी करके भी अवैध शराब का आना बहुत वाजिब है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मैं कोट कर रही हूँ, कि भैया पूरे देश में शराबबंदी करो ताकि छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी हो। लेकिन आपने तो पिछले मैनिफेस्टो में कहा था शराबबंदी करेंगे, इसी का जवाब दिया आप पूछे, लेकिन उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। हमने आपके मजबूरी बताई कि सबसे ज्यादा अवैध जो शराब है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रही थी, तो निश्चित तौर से हम प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि भैया कम से कम जो 7 प्रदेश है आप उसी में शराबबंदी कर दीजिए। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में था ना ये, बाकियों के मैनिफेस्टो में तो था नहीं। बिल्कुल, हम मजबूरी बता रहे हैं कि जब कोरोना में हम बंद थे उसके बाद आपकी सबसे ज्यादा जो अवैध शराब है आपके प्रदेशों से आ रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि आप पूरे देश में शराबबंदी कीजिए। हम तो साफ सच्चाई से कह रहे हैं। और जहां तक शराब घोटाले की बात है, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये भाजपा का फैलाया हुआ 2G जैसा स्कैम है जिसके अंदर से कोई घोटाला नहीं निकलना है। अभी क्योंकि आपने कहा कि शराब घोटाले को लेकर के तमाम आपने कांग्रेस के सामने क्या दिक्कतें हैं वो गिनाई, तो क्या अब जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें फिर से एक बार शराबबंदी की बात कांग्रेस करेगी या इस बार मैनिफेस्टो से ये मुद्दा नदारद रहने वाला है? देखिए, ये मैनिफेस्टो कमेटी तय करेगी, ये यहाँ पे मैं नहीं तय कर सकती। क्योंकि आधी आबादी की आप बात करते हैं, अब मैं जरा आ जाऊं क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप पहली वक्ता थी और अभी जो आधी आबादी को जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अभी, जहां तक हालांकि कई राज्यों में नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे फिगर्स नहीं है, 20% तक मैक्सिमम आंकड़ा जाता है, फिर आप तो आधी आबादी को आधे हक की बात करते हैं, शुरुआती कर देते हैं कम से कम यहाँ से। हमने पिछली बार भी लगभग 14 लोगों को दी थी टिकट और जिसमें 13 जीत कर आई थी, भाजपा ने 13 को दी थी, सिर्फ एक महिला जीत कर आई थी। हम मध्य प्रदेश में अभी 29 टिकट दे चुके हैं, राजस्थान में 97 में 14 दे चुके हैं, पिछली बार 30 दी थी, इस बार भी मेरे ख्याल से 30 का आंकड़ा है। निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि देखिए चुनाव में विनेबिलिटी, उनका वहां पे वर्क, वहां किस तरह से काम करे वो बहुत डिपेंड करता है, लेकिन भाजपा अगर ये बोल रही है तो अभी ये महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए थे, आप सब समझदार लोग हैं, आप लोगों ने पोस्ट डेटेड चेक सुना होगा ना कि हम कोई गाड़ी लेते हैं वो लेते हैं तो पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, कभी पोस्ट डेटेड बिल सुना है क्या? महिला रिजर्वेशन बिल पोस्ट डेटेड बिल है, जो कह रहे हैं 29 में लागू होगा, डिलिमिटेशन होगी, जनगणना होगी, ये पेच क्यों लगाया? तो बीजेपी की नियत में खोट है, चाहे सीटों में हो, हम कम से कम उनसे ज्यादा दे रहे हैं। और आने वाले कल में भी चिंतन शिविर में जो हुआ कि बिलो 50 और उसके बाद महिला को प्रेफरेंस देनी है, आपने CWC में भी देखा, आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा, निश्चित तौर से अभी भी हम 15-20% कर रहे हैं, आने वाले कल में इसको 30-40% करेंगे।